तो इस तरीके से बनता है घर पर चाप। हम लोग सोचते हैं पता नहीं कैसे बनाया जाता है चाप, क्या करें कैसा करें, तो आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए चाप की घर पर रेसिपी। हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक होंगे? तो दोस्तों, आप लोग ने कमेंट करा था, आंटी जी आपने घर पर चाप कैसे बनाई, तो वही दिखाने वाली हूँ मैं आज घर पर चाप बना के। तो दिखाते हैं कैसे हमने घर पर चाप बनाई, और हेल्दी भी होती है क्योंकि घर में हम साफ़ सफाई से कोई भी चीज़ हो साफ़ सफाई से ही बनाते हैं। तो दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हमको चाप बनाने के लिए सोयाबीन की बड़ी चाहिए, यानी कि सोयाबीन। चाप की सब्जी बना के भी दिखाई थी। तो दोस्तों, मैंने सब्जी डाली थी चाप की। अगर आप लोगों ने चाप की रेसिपी नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देखिए यूट्यूब चैनल में और इंस्टाग्राम में। तो इधर हमने ले रखा है सबसे पहले मैदा, एक ही छोटा बाउल ले रखा है हमने। इस बाउल से हम डालेंगे मैदा। एक ले रखा है हमने बर्तन, एक बाउल मैदा, दो बाउल और तीन बाउल, क्योंकि मैदा इसमें ज़्यादा लगता है। मैदा मैंने छान के रखा है, बस बाकी इसमें हमने कुछ नहीं करना है, सीधे इसको गूंद लेना है। तो थोड़ा इसमें पानी डालेंगे, एक गिलास पानी ले रखा है। अच्छे से हम इसको गूंद लेते हैं जैसे हम आटा गूंदते हैं। तो दिखाते हैं इसको गूंद के। सॉफ्ट आटा गूंदना है हमने। अगर आप लोग मेरी तरह घर पे ही खाना बनाओगे ना, बहुत हेल्दी और टेस्टी। एक गिलास पानी हमारा लग गया है इसमें। मैदे को मैंने गूंद लिया है, इसको रख देंगे एक घंटे के लिए रेस्ट पे ढक के। ये ले रखी है मैंने सोयाबीन की बड़ी, इसको पीस लेंगे हम बारीक तरीके से। तो मैं पीसती हूँ सिलबट्टे में, हाथ धो के आपको दिखाती हूँ सिलबट्टे में। यहाँ आ गए हम सिलबट्टे के पास। सिलबट्टे को मैंने साफ करके धो लिया था, अब इसको हम दो दो तीन तीन करके पीस लेंगे। और जल्दी पीस जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं पीसती है, आप मिक्सी में भी पीस सकते हो इसको। जैसे ही हम चाप बनाने के लिए सोयाबीन की एक दाल भी होती है, आप उसको पीस के वो भी डाल सकते हो इसमें, पर मैं दाल नहीं डालूंगी, मैं सिंपल तरीके से बता रही हूँ। जो सोयाबीन की बड़ी होती है, सोयाबीन की दाल से ही बनाई जाती है, बहुत हेल्दी रेसिपी होती है ये। मैदे को हमारे एक घंटा हो गया है। तो दोस्तों, आज ठंडा भी बहुत हो रहा, देखिए आसमान में बादल भी लग रहे हैं, कोहरा भी आ रहा है, पता नहीं ठंडा कब तक रहता है, पता नहीं चल रहा। और हमारे नैनीताल में बहुत सारी बर्फ़ भी पड़ गई है, पहाड़ों में भी बहुत सारी बर्फ़। तो देखिए हमारा आटा फूल गया है, एक घंटा हो गया है इसको। अब क्या करने वाले हैं, हम एक बर्तन में इसको रखेंगे अलग से। अब ले रखा है मैंने खूब सारा पानी, एक डेग पानी। तो इसमें हम दो तीन गिलास पानी डालेंगे, बस यही स्टेप है इसका। अब हाथों से क्या करेंगे, इसको इस तरीके से पानी में निकालेंगे, इसमें से स्टार्च निकलता है। हाथ को अच्छे से साफ करके धो लेना, क्योंकि मैंने अभी आटा गूंदा है, इसलिए मैं हाथ फिर से धो के लेके आ गई हूँ। बस क्या करना है, हमने इसको इस तरीके से गजूनना है पानी के अंदर, जो इसका स्टार्च निकलता है, ये खूब सारा निकलता है। तो हमने ऐसी स्टेप दो तीन बार करना है, दिखाती हूँ मैं आपको। बाजारों में भी इसी तरीके से चाप बनाते हैं हलवाई वाले भी। कभी भी आप शादी ब्याह में हलवाई को बुलाओगे तो घर पर ही ऐसी बना देते हैं। जो इसका पानी है, एक बर्तन में लौटते रहेंगे। आपको पता है इसके पानी की भी एक रेसिपी बनती है। इस पानी को हम रात को रख देंगे, सवेरे इसमें जमी रहती है जो मैदा, उससे बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। तो मैं कल को वही रेसिपी आपको फिर से दिखाने वाली हूँ। गिलास पानी और डालेंगे हम, जैसे हमने पहले पानी डाला था इसमें। बस ऐसे हम चार पांच बार करते रहेंगे और इसका पानी को फेंकते रहेंगे बर्तन में। तो देखिए कितना स्टार्च निकल रहा है इसमें, और थोड़ा ऐसे ऐसे करके हम दबा दबा के इसको फिर इसका पानी एक बर्तन में और लौट लेंगे। मैदा कम होते रहता है। बस तीन बार हम इसको और करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हो जाता है ये। तो इस तरीके से हो जाता है ये। एक दो बार हम इसको और पानी से धोएंगे। जितना पानी हमने डेगची में ले रखा सब लग जाएगा, और इसका पानी साफ निकलने लग जाता है फिर। तो देखिए हमने सारा पानी इसका निकाल दिया है, और पानी वहाँ इकट्ठा कर दिया है मैंने डेगची में।
अब क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फैला देंगे। अब ये ले रखा है मैंने सोयाबीन बड़ी का पाउडर, इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। अब इसको अच्छे से गूंथते रहेंगे, सोयाबीन का पाउडर डालते रहेंगे और इसको मिलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके सोयाबीन का, इस तरीके से। और इसको जैसे हमने आटा गूंथा है फिर ऐसे गूंथना है। तो पूरी वीडियो देखना दोस्तों, तभी आपको पता चलेगा चाप कैसे बनाई जाती है घर पर। तो इसी तरीके से हमने इसको गूंथ के रख लेना है। सारा पाउडर डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। अगर जैसे आपका ये चाप गीला हो गया तो सोयाबीन पाउडर और डाल सकते हो इसमें, जितना सोयाबीन का पाउडर होगा उतना अच्छा लगेगा। तो देखिए हमारा सब सोयाबीन का पाउडर लग गया है और आटा हमारा अच्छा हो गया है ये। तो इस तरीके से थोड़ा सा और खींचेंगे इसको। तो इस तरीके से बनता है घर पर चाप। हम लोग सोचते हैं पता नहीं कैसे बनाया जाता है चाप, क्या करें कैसा करें। तो आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए चाप की घर पर रेसिपी। तो बनाइए और बच्चों को फैमिली को खिलाइए। जब मेहमान आएंगे आपके घर में, कोई काम काज होगा तो आप घर पर बना सकते हो। ले रखा है मैंने एक पटला, तो हम रोटी की तरह इसको बेल लेंगे मोटा मोटा। अच्छा, हाथ को साफ करके पहले धो के आते हैं, हाथ चिपक रहे हैं। जिस समझ से चाट खाते हैं वो उससे बनाया है मैंने। थोड़ा सा इसको ऐसे छिल दिया था, तो इस तरीके से डंडे लेने हैं हमने। अब लेंगे थोड़ा सा सूखा वाला मैदा, तो ऐसे बुरबुरा देंगे पटले में। बस अब इसको अच्छे से बेल लेते हैं बेलन से। ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है हमने और ज़्यादा मोटा भी नहीं। देखिए मैंने पटले में अच्छे से बेल लिया है इसको, और जहाँ किनारे मोटे होंगे तो इस तरीके से बेल लेंगे। तो हमने ले रखा है चाकू, छोटे करके पट्टियाँ निकालेंगे इसकी कटिंग करके। तो इस तरीके से हम पट्टियों को काटेंगे, ये देखिए ऐसे करके। अब ले रखी हमने एक डंडी इस तरीके से, इसमें इसको लपेट लेंगे। तो जब चाप बनाई जाती है इसी तरीके से लपेटते हैं ये, अब मोटा मोटा करके थोड़ा खींच खींच के। कम पड़ जाएगी तो फिर इसकी कटिंग करेंगे और जोड़ लगाएंगे इसमें ऐसे। इस तरीके से हम चाप बना रहे हैं। तो रख देते हैं, एक करके प्लेट में बनाते रहते हैं। तो पट्टियों को काट लेंगे पतले पतले करके, और ऐसे करके एक डंडी में लगाएंगे ये। इसी के ऊपर ऊपर से लगाते रहेंगे और नीचे को लाते रहेंगे इसको। तो कम पड़ जाएगा तो अब इसमें हम थोड़ा सा और लगाएंगे ये। बस ऐसी बना लेते हैं और ये साइड से ऐसे चिपका देंगे इसको, नहीं तो उबालते समय खुल जाता है। तो हमारी चाप बनके हो गई है तैयार। अब चढ़ा रखा है हमने उबलते हुए पानी को, दिखाते हैं आपको। इधर चढ़ा रखा है मैंने पानी, लगता है पानी हमारा खोल गया है अच्छे से ये। बस इसी तरीके से पानी खोलाना है और एक एक करके हमने इसमें डाल देना है। और ये चम्मच वाला भी बना रखा है, इसको भी डाल देंगे इसी में। बस इनको खूब खोला लेना है, फिर दिखाते हैं आपको। सभी डाल देंगे इसमें ही, और छेड़ना नहीं है, बस ढक्कन लगा देना है इसको 5 मिनट के लिए, फिर देखते हैं आप। तो इसको 6-7 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हम खोल लेते हैं और देखिए कितनी बढ़िया करके उबल रहे हैं। बस इस स्टेप में हम इनको निकाल देंगे और फूल के बढ़िया हो गए हैं। तो हमारी हमारी सोया चाप बनके हो गई है तैयार। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी दोस्तों?
रेसिपी पसंद आ रही तो जल्दी से सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल में जाके। इनको तुरंत ही ठंडे पानी में डाल देंगे, बस थोड़ी देर इसको ठंडा पानी में रहने देंगे, ठंडा होने तक चिल्ड पानी में। डंडियों से एक एक करके निकाल लेते हैं इनको। तो ये देखिए क्या गजब बने हैं दोस्तों। तो ऐसी ही आप घर पर जरूर इनको बनाना। तो सोया चाप बनके हो गई है हमारी तैयार। बस अब क्या करना है, जब आप सब्जी बनाओगे तो एक बार पानी में और डाल देना डंडी निकाल के, इसकी करना छोटी से कटिंग। तो ऐसी कटिंग करेंगे, ये देखिए बस। तो इस तरीके से छोटे छोटे पीसों में करेंगे कटिंग और हमारी सोया चाप बनके हो गई है तैयार। तो मैं भी आज बनाने वाली हूँ। बच्चे एक बार बनाई थी, बच्चों को बहुत पसंद आई, तो कह रहे आज बच्चे मम्मी घर पर बनाओ। तो इस तरीके से हम सोया चाप घर पर बना सकते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी? रेसिपी पसंद आई तो लाइक फॉलो जरूर करना। फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। कुछ ऐसी रेसिपी चाहिए होगी तो जल्दी से कमेंट करो। अब फ्राई करो और खाओ फटाफट बना के।